हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर और मैं हूं माद लत्ती। सो गाइस, आपको अंदाजा हो गया होगा मेरी गंज से क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और आप लोगों को पता है कि गर्मियों में गंज करा। देखिए, ये हसन आसर ने जो है ना बहुत खतरनाक खेल खेला और ये मुझे भी इसमें शामिल करना चाह रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं बट ये मान, लेकिन मैं नहीं मान रहा। तो गाइस, आप बताएं मैं करवाऊं या ना करवाऊं, ठीक है? अच्छा गाइस, ये इमरान खान वाली तब्दीली नहीं है, ये जेन्युइन गंज है, ठीक है? आप लोग कहेंगे यार ये इमरान खान तो तब्दीली लेके आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का नाम ये रखा गया, इसका मतलब इसमें कुछ खास है, जिसको खास तौर पर मतलब ली गई है। तो बहरहाल मेरे घर में वीडियो की तरफ चलते हैं, तो देख के मजा आता है, उसके बाद रिएक्शन देने में मजा आता है, उसके बाद फिर देखेंगे मजे की डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से बगैर किसी देर के हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए, ऐसा है कि जिस घोड़े पे पाकिस्तानियों ने पैसा लगाया वो घोड़ा लंगड़ा निकला। श्वेता, बात यह है, पहले उन्होंने बोला मलेशिया, मलेशिया पीछे हट गया। तालिबान का बयान, एर्दोगान क्या बयान देता है कि आप ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं, वो तालिबान को कह रहा है। तो ये पाकिस्तान को लगा कि साहब ये तो एर्दोगान भी हमें धोखा दे गया। रशिया ने एक तरफ तो ये बोला तालिबान को कि साहब आप ये लड़ाई मत करिए, चलिए हम पीस की यानी कि अमन की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं। दूसरी तरफ पीठ पीछे रशिया अमेरिका को कह रहा है कि अगर आपको बेसिस चाहिए और पाकिस्तान अगर आपको नहीं दे रहा तो हम आपको बेसिस दिलवा देते हैं। तो ये एक वहां पे मामला बड़ा जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेट हो गया। लेकिन श्वेता, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, वो जो फोटोग्राफ अमरुल्ला सलह साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और पहले वहां के बहुत बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क के पूरे हेड थे अफगानिस्तान के, जो उन्होंने ट्वीट करी है, मैं श्वेता मैंने इतनी इस लेवल की ट्रोलिंग और इतनी बड़ी घनघोर बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को यह बोल दिया कि जो तुम्हें भारतीय सेना ने धूल चटाई थी 1971 की, ठीक है, यह तुम्हारे संस्कार होंगे कि तुम दुश्मन के सामने घुटने टेक दो और माथा टेक दो, यह अफगानों के संस्कार नहीं है। हम सर कटाना पसंद करेंगे, सर झुकाना पसंद नहीं करेंगे, और खुला बोल दिया पाकिस्तानियों को। और मुझे लगता है कि जो वहां पर प्रवक्ता बैठे हैं चौधरी साहब पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जरा उनसे पूछिए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? पाकिस्तान में सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चाइनीज नेटवर्क है ना श्वेता, बिल्कुल, तो क्या करें इनका? और ये कह रहे हैं तालिबान को आगे बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान पे रूसी कब्जा नहीं कर पाए, अमरीकी कब्जा नहीं कर पाए, पाकिस्तान तो बहुत छोटी, पाकिस्तान कौन सी गिनती में आता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया, चंगेज खान हार गया, ये कौन सी गिनती में पाकिस्तानी आते हैं जो अफगानों के ऊपर कब्जा करेंगे? अफगानों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, 5,000 साल की तारीख है अफगानों की, अफगान लड़ते आए, उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। ये तो पाकिस्तानी पता नहीं क्या झूठी झूठी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो, और तालिबान की क्या औकात है? मैं आपको बता रहा हूं, अफगान नेशनल आर्मी अभी वेल ट्रेंड है, वेल सपोर्टेड है, वेल फंडेड है और अच्छी ट्रेनिंग हासिल करी हुई है। वो ठोकते रहेंगे अफगान तालिबान को, ये तो तालिबान वाले हैं जो ये औरतों बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। और वहां पर क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल यह है कि जो आम अफगान है वो तालिबान को पसंद नहीं करता, पाकिस्तान जोर जबरदस्ती करता है। अभी आपको पता होगा श्वेता, वो 15 साल की लड़कियों के ऊपर वो जो नोटिस दिया था कि 15 साल की उम्र से ऊपर लड़कियां होंगी उनको सब हमें दे दो, तो कौन पसंद करेगा? और बड़ी देखिए, अफगानों की जो कौम है ना, बड़ी गैरतमंद कौम है, अनलाइक पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों में तो गैरत का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अफगानियों की जो कौम है, पठान जो है, पश्तून है, वो बड़े गैरतमंद लोग हैं। आप उनकी इज्जत को, अगर उनको लगेगा कि इज्जत पे कोई बात आ रही है तो पठान हथियार उठाएगा, ये बात तय है। ना उन्होंने अमेरिका की गुलामी स्वीकार करी, ना उन्होंने रूस की गुलामी स्वीकार करी, यही लोग खड़े हो गए थे आज से हजारों साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर के सामने भी खड़े हो गए थे, ये मंगोलों के सामने खड़े हो गए, सबके सामने खड़े हो गए और सबसे लड़ा इन लोगों ने। तो ये पाकिस्तान ये छोड़ दीजिए, अब आप दोस्त बनते हो, डरते हो पाकिस्तान से और आपको पाकिस्तान से डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंख में आंख के डालकर आप जैसे गंदे आंख में आंख नहीं डाली चौधरी, चौधरी आंख में आंख नहीं डाली, तुम लोगों ने दूसरों की जेब में हाथ डाला है, तुम लोगों ने दूसरे की जेब में हाथ डाला है चौधरी, तुमने आज तक कभी किसी की आंखों में आंखें नहीं डाली, ओए बेगैरत चौधरी तुमने कब किसकी आंखों में आंखें डाली? कशकोल हाथ में लेकर, भिखारी का कटोरा हाथ में लेकर कोई आंखों में आंखें डालता है? तुम लोग भीख मांगते हो,
तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता है, बेकार ही हो तुम लोग। आंख में आंख डाली, आंख में आंख डाली, किसके आंख में आंख डाली बताना जरा, किसके आंख में आंख डाली? अरे चौधरी ये बताओ किसके आंख में आंख डाली, किसके आंख में आंख डाली चौधरी? अरे चौधरी एक बात बताओ, तुम्हारी तो शक्ल ही वैसा लग रही है जैसे बकरीद में बकरा होता है ना हलाल के लिए, तुम ये बताओ कि किसकी आंख में आंख डाली? अरे किसकी आंख में आंख डाली हीरो, ये तो बताओ। लोगों के जेबों में हाथ डाली है चौधरी, लोगों के जेबों में हाथ डाला है। चीन ने तुम्हें लात मार दी, तुम्हारे दोस्त चीन ने तुम्हें लात मार दी चौधरी, चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी और अब अफगानिस्तान ने भी लात मार दी तुम्हें, सबसे लात मार के आंख में आंख मिलाते हैं, आंख में आंख मिलाते हैं सबके बटुए पर नजर है चौधरी तुम्हारी। एक मिनट क्योंकि चौधरी चौधरी श्वेता चौधरी चौधरी बदला ले चुके चौधरी चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब मेरी बात सुनो चौधरी साहब सुनो किया था चौधरी साहब सुनो सुनो अरे चौधरी साहब इसमें गांधी जी की फोटो है, इसकी वैल्यू ज्यादा है जिन्ना से। चौधरी साहब पैसा ले लो, लो पैसा, मुंह बंद करो अपना। ओ चौधरी यार और ले लो, अरे पीसीआर पीसीआर चौधरी को पैसा लो, चौधरी पैसा ले लो, चौधरी पैसा ले लो, पैसा ये लो पैसा, मुंह बंद करो बेगैरत। पैसे के लिए बिकते हो, कितने पैसे चाहिए बोलो, कितने में आएगा? इमरान खान की क्या वैल्यू है बताओ, कितने में बिकता इमरान खान बताओ चौधरी? इसी में डूब जाओ चौधरी, इसी में डूब जाओ पानी में, इसी में डूब जाओ तुम, इसी लायक हो, पूरी कौन इसी लायक है, इसी पानी में डूबो, इसी पानी में डूबो तुम। अरे पैसे लो पैसे, मुंह बंद करो अपना अभी। इसको ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हज़ार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। अरे छोड़ो चौधरी, सरेंडर की हुई कौम, बेगैरत कौम, ठीक है, भीख में जिंदा रहने वाली कौम, लोन लेते हो, लोन लेते हो सूद देने के लिए फिर लोन लेते हो, आंख में आंख मिलाई हमने, आंख में आंख मिलाई, तुम्हारी आंख है भी, शर्म करो। अरे बेगैरत तुम भिखारी, तुम्हारे तुम्हारा प्रधानमंत्री भिखारी है। अच्छा तुम्हारा जिन्ना भी भिखारी था, वो भी हमसे 60 करोड़ रुपए लेकर गया था, भिखारी था तुम्हारा जिन्ना, तुम्हारा चौधरी जो ग्लास दिया है इफ्तिखार चौधरी, इस पानी को पी भी लो, कोई और ले ले, इसके पहले इसको पी लो। बेटा इससे ये बोलो, बेटा इससे बोलो कि इससे बोलो चौधरी से कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। एक मिनट इफ्तिखार चौधरी, ये ले चौधरी, इफ्तिखार चौधरी एक मिनट चौधरी चौधरी ये ले डूब जाए चुल्लू भर पानी में, डूब जाए चौधरी, ये ले चुल्लू भर पानी में डूब जाए, ले जा डूब के मर जा चौधरी, डूब के मर जा, टके टके में बिकने वाली कौम, टके टके में बिकने वाली कौम, सबके सामने, सबके सामने अपना झोला फैलाने वाली कौम, सबके सामने झोला फैलाने वाली कौम, इसको बुलाया क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भिखारी को बुलाया किसने? अरे इतनी जोर जोर से चीखे मार के भीख मांग रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है चौधरी, कह रहा पैसा दे दो मेजर, मेरा घर कैसे चलेगा? अरे यार बड़ा बेगैरत हो यार तुम, पाकिस्तान बहुत बेगैरत हो, आपका यही रिएक्शन होगा। एक मिनट सुनो, अभी तो तुम्हें अभी तो अफगान ठोकेंगे तुम्हें चौधरी, अफगान ठोकेंगे तुम्हें वो सुन रहा है शेरशाह, शेरशाह वहीं से तुम्हें चौधरी वहीं से पिटोगे तुम चौधरी। अरे इफ्तिखार चौधरी, अरे चौधरी अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ चौधरी, चौधरी चौधरी लो चौधरी लो चौधरी लो चौधरी 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 लो, अरे पानी का ग्लास तो आप ही ने दे दिया ना पहले, चौधरी लो चौधरी सुनिए, अच्छा 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 इफ्तिखार इफ्तिखार चौधरी, अरे चौधरी 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 बेगैरत कौन है? हर समय शर्म गढ़ के ऊपर कोई और चीज आ पाई है इफ्तिखार चौधरी? शर्म नहीं आती, अरे बड़ी बेगैरत कौम है यार तुम्हारी। शेरशाह के पास में जा रही हूँ जरा, पाकिस्तानी शेरशाह के पास में जा रही हूँ और शेरशाह में जरा आपसे कहूंगी, आप वहां पर इस वक्त उस जगह पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा
तालिबानियों ने जिस तरीके की हरकत की है पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, वो किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, इफ्तिकार चौधरी को तो आप सुन ही रहे हैं, इफ्तिकार चौधरी तो परेशान हो गए 1971 की इन तस्वीरों को देखकर ही, क्योंकि ये तो वो सच है जो कभी नहीं छुपाया जा सकता और ये सच देखना नहीं चाहते पाकिस्तानी। मुझे ये बता दीजिए कि इनको जवाब कैसे दिया जा रहा है, इफ्तिकार चौधरी को बताना पड़ेगा, इफ्तिकार चौधरी को बताइए कि कैसे ये लोग पिटने वाले हैं और कैसे भागने वाले हैं अब चौधरी। मेरा मानना ये है पाकिस्तान औरत है जो मर्दों के पीछे ये छुपता है, एक बात। दूसरा बात ये पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो बेकारियों से भी बदतर है। ये वैसा बोल रहा है ये लोग बेकारी है, ये तो बेकारी भी नहीं है, ये लोग वो लोग हैं जो अपनी माँ को बेचती है, अपनी बहन को बेचती है। बिल्कुल, आप एक बार जाकर लाहौर में देखो, हीरा मंडी में देखो, है ना, हम पर यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं जहाज है और वहाँ पे इनकी माँ बहन बेच रही है, वहाँ पे इनकी बोली पे लगी है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान ये समझ ले, ये चौधरी समझ ले, ये इमरान खान समझ ले, अफगानिस्तान बिकाऊ नहीं है, तेरे बाप की घर नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये सिंध नहीं है, जो जो भी तू चाहेगा वही होगा, ये हमारा घर है और इसको हम अपने मर्जी से बना देंगे। ये जो हमारा सीना है ना, ये लोहे से बना है, ये आप लोगों की तरह मिट्टी से नहीं बना है, हम खाना खाते है। इसे कहते हैं दम, इसे कहते हैं हिम्मत, इफ्तिकार चौधरी जो आप लोगों में है नहीं। ठीक है, ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे एंड। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है तो हमेशा की तरह है ना, काफी अग्रेसिव रहे हैं, काफी अग्रेसिव रहे हैं, मेरे ख्याल में आज सबसे ज्यादा अग्रेसिव रहे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। हमने पहले भी वीडियोस बनाई है बट इसमें बहुत ज्यादा, मतलब बगैरत तक कह दिया, मतलब उसे अगले आगले ने भी उनको, मतलब उनके साथ चिल्लू पर पानी में डूब मरो ये कह दिया मेजर साहब को। तो अच्छा, ये बेसिक जो मतलब पहले भी बात की अफगानिस्तान रशिया वाली, यानी बाकी वाकई अगर इस तरह की हकीकत है तो वाकई रशिया बहुत जो है ना समझदारी से खेल रहा है, बहुत है, वो डायरेक्टली जो है ना तालिबान के सामने आना ही नहीं चाह रहा, मतलब वो डायरेक्टली तालिबान के सामने पूरी दुनिया को इंटरनेशनल ये पैगाम दे रहा है कि भाई हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस तालिबान हमारे कंट्री के अंदर ना घुसे, उज़्बेकिस्तान के थ्रू या ताजिकिस्तान के थ्रू स्टेट में ना आए, तो इसलिए हमने वहाँ पे सिक्योरिटी इंक्रीज की है, हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा जो है ना इस मामले में इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इंडिया अफगानिस्तान की मदद करे ना करे, तालिबान को मारे ना मारे, हमें कोई इशू नहीं है, वो ये शो कर रहे हैं। लेकिन अंदर से मतलब ये जैसे मेजर साहब ने उन्होंने पेशकश की है अमेरिका को, हम देने को तैयार हैं आपको, तो ये इसी के साथ उन्होंने इंडिया को भी कहा कि साफ कट लाइन में बता दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपके पास कोई आपके साथ कोई मुश्किल घड़ी आ जाती तो हमें ये मुझे लगता है पहले ना वैसे ना सोचने वाली बात है, पहले वैसे ही ना मेरे ख्याल से रशिया कुछ इस तरह की स्टेट डर रही थी तालिबान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देने से ना, लेकिन जब से ये अटैक शुरू किए ना दोबारा यूएस ने किया, फिर अफगान फोर्सेस ने रिसेंटली 262 जो है ना, ये भी दो दिन पहले की खबर है शायद कि तालिबान को मारा, तो उसके बाद से शायद इनके अंदर हौसला नहीं लगा अब रशिया के अंदर भी कि मतलब इनको दबाया जा सकता है तालिबान को, जैसे दोबारा स्टार्ट हो गया काम तो अब ये शायद आना चाह रहा, अब इसके अंदर हौसला हुआ कि स्टेटमेंट ये दे रहा है कि भाई हम आपको अड्डे देने के लिए तैयार हैं, पहले इसके अंदर मतलब ये नहीं था सिस्टम, ये पहले इनसे डर रहा था कि भाई हमारे अंदर ना कहीं घुस जाए, तो ये सीन चल रहा था। तो उसी के साथ सोवियत यूनियन जो कि रशिया की है 6-7 ममालिक में, उसके अंदर अज़बेकिस्तान भी है, बिल्कुल अज़बेकिस्तान ने रिसेंटली आई थिंक ऑफर दी है यूएसए को कि वो हमारा बेस यूज कर सकते हैं, या वो सोच रहे हैं या ऑफर दी है, ऑफर दिया है वो बेसिकली रशिया की तरफ से ही होगी मेजरली, मतलब वहां पे जो डोमिनेट कर सकते हैं रशिया ही है ना इन स्टेट्स का, मतलब हेड कह सकते हैं किस्म का वही है, उसने कंट्रोल करना। तो दूसरी बात यार बिल्कुल इन्होंने मतलब मेरे माइंड में ये आई नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि यार आज तक अफगानिस्तान के ऊपर ये हिस्ट्री है कोई कब्जा नहीं कर सका, इवन के सिकंदर आजम जैसा जो है ना, मतलब जैसे कह सकते हैं कि वो जहां चाहता था घुस जाता था, और जो है ना उसके आजाद करवाता पूरी दुनिया को, मतलब कर ले वो भी अफगानिस्तान के अंदर आ गया, उसने अपने घुटने टेक दिए, ये आजाद कराना मेरे बस की काम नहीं है। सही बात, ठीक है, सही बात। तो वहां पे हार गया, यूएसए भी हार गया, तालिबान जो है कैसे कब्जा। वैसे एक और बात नोटिस करने की है कि यहाँ कहा जाता है कि जो अफगानी है ना, मतलब जो पठान है पश्तून, ये नहीं किसी को अपने ऊपर कब्जा होने देते, लेकिन यहाँ पे सोचने देखने वाली बात यह है कि कब्जा जो करना चाह रहे हैं वो भी पश्तून पठान है, और जिन्हें भी करना चाहते हैं वो भी पश्तून पठान है, ये इस पर ये चीज डिफरेंट है, मतलब हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें ये चीज डिफरेंट है कि इसमें कब्जा करने वाले भी वही हैं जिन पे हो रहा है, तो इसपे मतलब जो है ना कुछ हो सकता है। लेकिन बात एक और भी की कि जैसे अफगानी लोग अगर तालिबान से खुश ना नहीं है या ना हुए,
तो किसी सूरत तालिबान कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मशहूर बात है यहाँ पे, मतलब कि आम लोग पठान जो है वो किस जब उनको मजबूर किया है तो वो बंदूकें उठा लेते हैं। तो अगर सारी बंगला जो इधर अफगानिस्तान के लोग हैं उन्होंने भी बंदूकें उठा ली अगर तालिबान के अगेंस्ट, समझो वो भी एक अफगानिस्तान की आर्मी ही बन जाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान वो बहुत कम अमाउंट में रह जाएंगे इस हिसाब से। अच्छा अहमद, आपने एक लाइन बोली कि अफगानिस्तानी तालिबान वर्सेस अफगानिस्तानी लोग जो कि दोनों ही पश्तून हैं, ये क्यों लड़ाई हो रही? इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि वो उनके जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं अब तालिबान के जो 20 साल पहले थे, वो जो आम शहरी वो सोच रहे हैं यार ये रूल्स अगर दोबारा लागू हो जाते हैं तो इससे हमारा मतलब इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, मतलब हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, मतलब उनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी मेरे ख्याल में वो कुछ अपने अंदर नरमी ला रहे हैं, जैसे मेजर साहब ने एक पिछली वीडियो में कहा था कि उन्होंने अब दुनिया देख लिया, तालिबान ने ना क्या दुनिया के अंदर हो रहा, पैसा देख लिया। तो अभी कुछ स्टेटमेंट तालिबान की आई थी ये गर्ल्स की एजुकेशन के हिसाब से ना कि हम इनको परमिशन दे देंगे, मतलब आज से 20 साल पहले परमिशन थी ही नहीं, थी नहीं। अभी उनके अंदर ना उनको लीनियंट हो रहे हैं, मतलब काफी नरम जो है ना अपनी पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं तालिबान भी ना, ताकि हमें दुनिया मॉडर्न लाइफ हमें दुनिया एक्सेप्ट कर सके, ताकि दुनिया एक्सेप्ट करे कि भाई ये भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ नरमी दिखा रहे हैं। अगर 20 साल पहले वाले रूल्स ही तालिबान ने अभी लगा दिए फिर किसी सूरत नहीं चलता। रिसेंट ब्रेक थ्रू मतलब ब्रेक थ्रू आया था तालिबान की तरफ से कि यार हम लोग अलाउ करेंगे बच्चियां जितनी मर्जी एजुकेशन ले बट बुरखे में लेंगी, तो ये भी उन्होंने एक कंपनसेशन लगा दी। दूसरा ये इन्होंने एक ये भी बात की है कि अफगानिस्तान क्यों गैरतमंद है, ये बात दुरुस्त है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त पश्तून भी हैं, वो बताते हैं कि अफगानिस्तान में लड़कियों के मामले में पश्तून बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और बलूचिस्तान में भी जैसे कि माद वहाँ स्टडी कर रहे तो वहाँ भी अमूमन देखा जाता है कि वो लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ये इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो इस पर कोई कंपलसरी नहीं करते, वो कहते हैं कि यार अगर हमारी लड़की पे आंच आ जाए कोई बुरी नजर से देखता है, वो काफी निकाल के आ जाते हैं इस मामले में, काफी स्ट्रिक्टनेस है खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, बलोच पठान जो इस मामले इस मामले में हम एग्री जाने चली जाती है लोगों की इस छोटी छोटी बातों पे जाने चली जाती है। वो बाकी यार मेजर साहब अंदर वही ना, ये एक और अंदर बंदा भी था अफगानिस्तान से था, तो वो पता नहीं खेतों में कहीं था या पता नहीं बाहर कहीं प्रॉपर स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ था, बाहर कहीं घूम रहा था, तो आई डोंट नो कि ये कौन है, शायद मुझे बातों से लगा ये अफगानिस्तान का शहर भी बंदा था ना, अफगानिस्तान का था बंदा, काफी हार्श वर्ड यूज इसके दरमियान है। जब मेजर साहब ने पैसे दिखे ठीक है, वो कह रहे हैं जी पैसे भी बिकने वाले हैं तो ये लो पैसा ले लो चुप कर जाओ, मतलब एक किस्म का टोन था जो कि हमेशा ना वो तो उस तरफ से भी आ रहा था, उस तरफ से भी वो भी बार बार पानी उठा कह रहे थे चुल्लू पर पानी में मेजर साहब डूब मरो, ये तो मेजर साहब ने मतलब अपनी ही चैनल जो ऑफेंसिव डिटेक्टिव डिफेंस ऑफेंसिव डिफेंस ऑफेंसिव में ये बताया था कि यार जब आप टीवी पे हमें देख रहे होते हैं हम एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं, बट जब टीवी से बाहर आते हैं तो उसके बाद हम एक दूसरे के सगे दोस्त होते हैं व्हाट्सएप हेलो हाय, काफी अच्छा दोस्त है। इसकी एग्जांपल मिली थी कमर चीमा साहब से भी, मतलब जैसे सुनने में काफी यही आया था मेजर साहब और कमर चीमा की अच्छी दोस्ती है, लेकिन आप उनको टीवी पे देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि वो दुश्मन है एक दूसरे के, वेरी वेरी लेकिन इस तरह की जो होती है ना टागमेल डिफेंस ऑफेंसिव चैनल है उसमें जो मेजर साहब है सिर्फ खुद वैभव वैभव कह के उनसे मतलब मुखातिब होकर डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, सिर्फ बात कर रहे होते हैं उनको काफी काफी लोगों ने किया उनको, तो फिर हम जो है ना बिल्कुल बहुत इन्फॉर्मेटिव वो चीज होती है ठीक है ना, लेकिन इसमें इस तरह की जो चीज होती है इसमें एंटरटेनमेंट भी आई जैसे पैसा दिखाना पानी का गिलास लगाना ठीक है, मतलब अंदर से मतलब फील कर सकते हैं क्या सीन बनता है, लोग रिटेंशन बढ़ गई थी। तो गाइस आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें तो अच्छी बहुत ज्यादा लगी है, तो गाइस अगर आप कोई चीज करेक्शन करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो हमारी कोई बात गलत लगी हमारी भी कोई बात नीचे करेक्ट हमारी करेक्शन कर सकते हैं, आप वीडियो को डिसलाइक करें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पॉजिटिव वे में हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमारी करेक्शन करें, कुछ भी इस तरह की बात जो हमसे गलत निकली हमें पता नहीं आप हमें बता सकते हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं अभी सीख रहे हैं, हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर का जरूर करें, अगर आप न्यू है चैनल पे तो बाकी वीडियो जरूर देख लें हमारी, आपको मजा आएगा, मैं करूँ मजा आएगा ठीक है, तो बाकी वीडियो जरूर देख लें, तो इसका हमें इजाजत अपना रखें, बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।